बंटवारे को लेकर विवाद कांग्रेस और एनसीपी में भी है। एनसीपी 144 सीटों की मांग कर रही है, लेकिन कांग्रेस इस पर भी राजी नहीं। हालत ये है कि बीते 21 दिनों से दोनों दलों के नेता सीट बंटवारे को लेकर चर्चा के लिए भी नहीं बैठे हैं। कांग्रेस एनसीपी में सीटों को लेकर अभी समझौता भले ही ना हुआ हो, लेकिन चुनाव से ठीक पहले दल बदल करने वालों की होड़ सी लगी है। 9 निर्दलीय विधायक अजीत पवार की मौजूदगी में एनसीपी में शामिल हो गए हैं। एनसीपी राज्य की 288 में से 144 सीटों की मांग कर रही है, लेकिन कांग्रेस इस पर राजी नहीं है। एनसीपी तो वैसे चुप बैठने वाली नहीं है ना। हमारा तो ये कहना है कि उन्होंने 144, हमने 144 और सामने जाएंगे। सेक्युलर वोटों का बंटवारा बिल्कुल होना नहीं चाहिए, ऐसा हमारे सबका कहना है। पिछली बार कांग्रेस 174 और एनसीपी 114 सीटों पर लड़ी थी। कांग्रेस को तब 82 और एनसीपी को 62 सीटों पर जीत मिली थी। इस बार एनसीपी 30 और सीटों की मांग कर रही है, लेकिन कांग्रेस तैयार नहीं है। कांग्रेस और एनसीपी के बीच में डिस्कशन चालू है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम अलायंस हमारा होगा और राज्य में फिर से सरकार कांग्रेस और एनसीपी की बनेगी। एबीपी न्यूज के ओपिनियन पोल के मुताबिक दोनों पार्टियां साथ लड़ती हैं तो फिर कांग्रेस को 40 और एनसीपी को 25 सीटें मिल सकती हैं। अलग अलग लड़ने पर कांग्रेस को 49 और एनसीपी को 40 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है। सीट बंटवारे को लेकर पिछले दिनों दोनों पार्टियों की तल्खी खुलकर सामने आ गई थी। तब तो दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़ने तक का मन बना लिया था। तल्खी की वजह से ही दोनों दलों के नेताओं में 3 हफ्तों से सीट बंटवारे पर बात नहीं हुई है। लगभग 21 दिन हो गए हैं, दोनों ही पार्टियों के समन्वय समिति की बैठक नहीं हो पाई है। दिल्ली में शरद पवार और एके एंटनी के बीच बातचीत हुई थी, उसके बाद महाराष्ट्र के स्तर पर बातचीत होनी जरूरी थी, पर महाराष्ट्र के नेता अब तक किसी भी बातचीत के लिए आगे नहीं आए हैं। एनसीपी कांग्रेस में भले ही सीटों का समझौता नहीं हो पाया हो, लेकिन एनसीपी लगातार खुद को मजबूत करने की कोशिशों में जुटी है। इसी कड़ी में एनसीपी ने 9 निर्दलीय विधायकों को पार्टी में शामिल कर लिया है। महाराष्ट्र चुनाव से ठीक पहले दल बदलने वालों में होड़ लगी। 9 निर्दलीय विधायक शरद पवार की पार्टी एनसीपी में शामिल हुए। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी नेता अजीत पवार और छगन भुजबल की मौजूदगी में 9 निर्दलीय विधायक पार्टी में शामिल हो गए। एनसीपी इसे अपने लिए बड़ी कामयाबी बता रही है। एनसीपी में शामिल हुए 9 निर्दलीय विधायक हैं मान सिंह नायक, बाला साहब पाटिल, मरकंद पाटिल, रमेश थोराट, बाबा साहेब पाटिल, सुरेश देशमुख, शरद गावित, साहेबराव पाटिल और दिलीप सोपल। इनके अलावा कांग्रेस नेता नारायण राणे के